नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइटिका के विषय में। साइटिका नर्व का पेन एक बहुत बड़ी समस्या होता है और जिसको यह होता है वास्तव में उसको बहुत तकलीफ देता है। आज हम आपको बताएंगे साइटिका के पेन को सही करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, वो दवाएँ जो आपको इस तकलीफ से निजात दे देंगी। लेकिन दवा बताने से पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि यह एक कॉमन दवाएं हैं जो आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे बिना या प्रिस्क्राइब कराए बिना न लें, क्योंकि व्यक्ति के सिम्टम के हिसाब से दवाएं भिन्न भी हो सकती हैं। साथियों, चलते हैं साइटिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लें साइटिका होता क्या है। आप लोगों के पैर में तरह तरह के दर्द होते हैं, किसी के पैर में भी हो सकते हैं, और वह परेशान रहता है और वो सोचता है कि हमको साइटिका है कि नहीं है। तो साइटिका का पेन जो होता है वह साइटिक नर्व के कंप्रेशन से होता है। साइटिक नर्व हमारे बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है और यह हमारे कूल्हे की हड्डी से होती हुई पैर के नीचे तक जाती है और पैर के पिछले हिस्से में पूरे पैर में इसका दर्द एक कहते हैं कि लकीर की तरह पीछे उठता है, जो आपके कदम को आगे बढ़ाने में परेशान करता है। इसका जानने का सबसे अच्छा तरीका है आप सीधे पलंग पर लेट जाइए और अपने किसी साथी से कहिए कि यूँ पैर को सीधे इरेक्ट करे। अगर पूरा पैर यूँ सीधा इरेक्ट हो रहा है और पेन नहीं हो रहा है तो आपको साइटिका नहीं है। और अगर पैर आप नहीं उठा पा रहे हैं सीधा बिल्कुल फ्लैट सामने लेट के, तो समझ लीजिए आपको साइटिका है। कहीं ना कहीं आपका साइटिक नर्व का कंप्रेशन हो रहा है जिससे यह पैर में सुनपन, नमनेस और बिजली ऐसा दर्द आपको महसूस हो रहा है। इसके साथियों कारण के विषय में बात कर लेते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण सबसे कॉमन कारण जो होता है वो स्लिप डिस्क होता है, स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। इसमें होता क्या है, आपके बीच की जो स्लिप वर्टीब्री होती है रीढ़ की हड्डी में, उसके बीच की डिस्क मूव कर जाती है और वहाँ आपको हर्निएशन प्रोवाइड करके उस कनाल को पतला कर देती है, जिससे आपकी सारी नर्व्स पास हो रही हैं और आपको साइटिका की दिक्कत होने लगती है। यह जो पीठ की तकलीफ है यही आपके पैर तक एक्सटेंड करती हुई वह नर्व कंप्रेस होने के बाद चली जाती है। दूसरा साथियों कारण होता है साइटिका का पिरीफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरीफॉर्मिस सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें कि आपका एक पिरीफॉर्मिस मसल होती है वह जब टाइट हो जाती है, थोड़ी रिजिड हो जाती है, तो वह आपके नर्व को कंप्रेस करने लगती है और पिरीफॉर्मिस सिंड्रोम के रूप में आपको साइटिका प्रोड्यूस करती है। तीसरा कारण होता है साथियों हर्निएटेड डिस्क। जब आपकी डिस्क में हर्निया हो जाता है, हर्निया मीन्स वो डिस्क प्रोट्रूड हो जाती है, तो भी आपको यह तकलीफ होती है जिसको कि साइटिका कहते हैं। और इसका एक चौथा कारण भी है कि जब आपकी डिस्क में कोई इंजरी आ जाती है तो आपके डिस्क स्टेनोसिस हो जाती है। डिस्क स्टेनोसिस ये होती है, स्पाइनल स्टेनोसिस, वह ये होती है कि आपका जो रास्ता होता है वही थोड़ा स्पाइन के अंदर का जो एक हॉलो रास्ता होता है जिससे नर्व पास होती हैं, वही थोड़ा सा उसका स्पेस कम होने लगता है और जब वो थोड़ा सिकुड़ जाता है तो आपके नर्व को कंप्रेस करता है, इसको स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। यह भी आपकी साइटिका का एक कॉज होता है। फिर साथियों उसके सिम्टम्स पे आते हैं। इसको समझना जैसे मैंने शुरू में वीडियो में बताया बहुत आसान है। आपके पैर में अगर पैर के पिछले हिस्से में नमनेस हो रही है, पेन हो रहा है, बिजली ऐसा दर्द, एक चमक वाला दर्द उठ रहा है, तो और आपको पैर आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपको साइटिका है, जिसको कि आपको एक कुशल चिकित्सक के परामर्श की आपको उसके लिए ज़रूरत है। अब साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग चलते हैं इसकी दवाओं के बारे में बताते हैं आपको, इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो साइटिका को आपसे जड़ से दूर कर देंगी, आपको ठीक कर देंगी। लेकिन यह दवा बिना किसी कुशल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के मत लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से दवाएं भी भिन्न हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो साइटिका पाया जाता है वो होता है राइट साइडेड साइटिका, यानी राइट लेग में आपके साइटिका सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मरीज इसी के हमारे क्लिनिक पे आते हैं। तो साथियों राइट साइडेड साइटिका को सही करने की सबसे अच्छी दवा है कोलोसिंथ। अगर आपके राइट लेग में साइटिका का पेन उठ रहा है, पैर के पीछे तीर ऐसा दर्द आपके उठ रहा है, तो इसकी दवा कोलोसिंथ है। आप कोलोसिंथ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका राइट साइटिका पेन में बहुत आराम होगा। ये एक साइटिका को ठीक करने की रॉयल रेमेडी है, जो वास्तव में आपके साइटिका को पेन को, अनबेरेबल पेन को तुरंत सही करती है और आपको बहुत जल्दी आराम दे देती है। फिर दूसरी स्थिति साथियों आती है कि आपके पैर के लेफ्ट पैर में साइटिका हो गया। थोड़ा अनकॉमन है लेकिन हो सकता है,
तो अगर आपके लेफ्ट पैर में साइटिका है, लेफ्ट लेग में साइटिका है, तो इसकी दवा साथी है मैकफॉस। आप मैकफॉस 6x का चरचर गोली दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम रात ले लें, आपका जो राइट साइडेड साइटिका है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। इसी की दूसरी कारगर दवा है, यानी राइट साइटिका की दूसरी कारगर दवा है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपका पेन बहुत अनबियरेबल हो और ऐठन के साथ हो, क्रैम्प्स के साथ हो, या स्थिति साथी हो अगर आपकी बने, तो राइट साइडेड साइटिका की दवा आपके लिए डायस्कोरिया 30 है। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपको लाभ हो जाएगा। फिर एक स्थिति साथी में आती है जब आपके स्पाइन में कोई ट्रॉमा पहुंचा हो, कोई चोट लगी हो, तो उसके बाद भी जब आपका नर्व कंप्रेशन होता है तो आपको साइटिका होने लगता है। अगर यह स्थिति आपकी बनती है साथी हो, तो इसकी 3 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा आर्निका है, दूसरी दवा रूटा है और तीसरी दवा हाइपेरिकम है। आर्निका 1 mg पावर में दिन में 3 बार उस स्थिति में दे दीजिए जब आपके ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लगी हो और ब्रूस्ट सूजन वाला दर्द हो रहा हो, चोट लगी हो जिसमें सूजन होती है, मतलब कि जिस धारदार हथियार ना हो, किसी धारदार चीज़ से ना हो के किसी सॉफ्ट चीज़ से आपको चोट लगी हो और आपके ब्रूस्ट पेन हो रहा हो, तो आर्निका 1 mg इज द ड्रग ऑफ चॉइस, उसको आप दे सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार। रूटा साथियों जब आपको चोट लगे कुछ दिन हो गए हों और उसके बाद आपके पेन हो रहा हो, तो इसकी बहुत कारगर दवा रूटा 200 है। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार 1 महीने तक दे दें, आप देखेंगे पुरानी चोट का दर्द जो कि बाद में साइटिका का कॉज बन गया है वह ठीक हो जाएगा। तीसरी दवा साथी उसके हाइपेरिकम है। जब आपको धारदार हथियार से चोट लगी हो, किसी धारदार हथियार के धारदार किसी भी वस्तु से चोट लगी हो, तो उसकी दवा हाइपेरिकम 30 है। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत आराम मिल जाएगा और आप तकलीफ से दूर हो जाएंगे। एक स्थिति साथी वहाँ आती है कि आपके पीठ में बहुत दर्द है, उससे आपको साइटिका हो रहा है। यह स्थिति साथी अगर होती है कि पीठ के दर्द के साथ साइटिका और साथ में कब्जियत हो, तो इसकी बहुत कारगर दवा एस्क्यूलस है। आप एस्क्यूलस 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको पीठ के दर्द की वो स्थिति में आराम मिल जाएगा जब आपके पीठ के दर्द साइटिका को रिजल्ट कर रहा है। एक स्थिति साथी वहाँ आती है जिसमें कि आपके पेन हो रहा है, जब आपके पैर में भारीपन लग रहा है, हेवीनेस आपके पैरों में लग रही है, अगर यह स्थिति आपकी होती है तो इसकी बहुत अच्छी दवा कोबाल्टम है। आप कोबाल्टम अम्ली फिरकरस 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लीजिए जब आपके पैरों में भारीपन हो रहा है, पैर उठाने में आपको दिक्कत हो रही है, वेट आपके पैरों में लग रहा है, तो आप कोबाल्टम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह आपको आराम दे देगी। एक स्थिति और आती है साइटिका कंडीशन में, जब आपको चलने से तकलीफ बढ़ती है, अगर आपको चलने से तकलीफ बढ़ रही है साइटिका में, तो इसकी बहुत कारगर दवा ब्राइनिया है। आप ब्राइनिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका चलने से होने वाली तकलीफ जो कि साइटिका को रिजल्ट करती है, उससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। फिर इसके विपरीत एक और स्थिति आती है कि आपको चलने से आराम मिलता हो और बैठने या लेटने से तकलीफ बढ़ती हो। यह स्थिति साथियों अगर हो रही है कि जब आपको रेस्ट करने से तकलीफ बढ़ रही है और चलने से आपको आराम मिल जाता है, तो इसकी दवा रस्टॉक्स है। आप रस्टॉक्स 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको निश्चित रूप से इसमें आराम मिल जाएगा साइटिका में, जिसमें कि आपको चलने से तकलीफ बढ़ती है। एक स्थिति साथियों और आती है जब आपके पैर में पेन हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो और आपको वो बैठने पर मजबूर कर रहा हो, यह स्थिति साथियों हो, तो इसकी दवा काली आयोड है। आप काली आयोड 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको इस स्थिति में आराम मिल जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और आपके चमक ऐसा कटिंग पेन आपके पैरों में नीचे तक उतर रहा हो। एक स्थिति साथियों आती है कभी कि खड़े होने मात्र से दर्द हो रहा है, मैं चलने की बात नहीं करता, लेकिन अगर आप खड़े हैं तो उसी से आपके दर्द हो रहा है, तो अगर खड़े होने से आपके पैरों में दर्द हो, साइटिका का पेन हो, पीछे पैर के पीछे तीर ऐसा दर्द होने लगे, लाइटनिंग पेन होने लगे, तो इसकी दवा वैलेरियाना ऑफिसिनेलिस है। अब वैलेरियाना 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आपको खड़े रहने से तकलीफ बढ़ रही हो और आपको बैठने से आराम मिलता हो, तो आप वैलेरियाना 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है कि जब ये सारी दवाएँ फेल हो जाएँ, हो सकता है कोई दवा आपको काम ना कर रही हो, उस स्थिति में आपकी दवा है मैक्रोटिनम। मैक्रोटिनम 2x पावर में आप 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार उस स्थिति में ले सकते हैं,
कि जब आपका साइटिका के पेन की सारी दवाएं फेल हो गई और आप आराम पाना चाह रहे हो तो आपके रेस्क्यू के लिए मैक्लोटिनम 2X आएगी। इसका आप दो दो टैबलेट दिन में 4 बार ले लें, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा, आपकी तकलीफ में कमी आएगी। एक स्थिति साथियों और आती है कि जब आपके आर्थराइटिस हो, आपके आर्थराइटिस के साथ साइटिका हो रहा है, यानी आपके जोड़ों में भी तकलीफ हो रही है और आपको साइटिका भी हो गया और कोई दवा उस स्थिति में काम नहीं कर रही है। तो अगर आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के साथ आपको साइटिका है तो इसकी दवा साथियों है ग्वाइकम। आप ग्वाइकम 1 एम्पावर में 1 डोज वीकली ले लें तो आपका आर्थराइटिस के साथ होने वाले साइटिका के पेन में आपको तुरंत निजात मिल जाएगी, आपको उसमें आराम मिल जाएगा। एक स्थिति साथी और आती है जब आपके पैरों में ऐठन हो रही है और उससे साइटिका बढ़ रहा हो, क्रैम्प्स आ रहे हो पैर में, तो अगर आपके पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं और आपके उसके कारण आपके साइटिका बढ़ रहा है तो इसकी 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है प्लम्बम मेट 30 और दूसरी दवा है क्यूप्रम मेट 30। प्लम्बम मेट 30 दो बूंद दिन में 3 बार या क्यूप्रम मेट 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें जब आपके क्रैम्प्स के कारण आपका पेन बढ़ रहा हो, आपकी लेग्स में साइटिका का पेन बढ़ रहा हो, वो आपको चलने से मजबूर कर रहा हो। ये साथियों कुछ कारगर दवाएं थी साइटिका के बारे में। साइटिका जो कि आजकल एक कठिन विषय बन गया है जो लोगों को तकलीफ देता है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेरी लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786 3014157863 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में बेल बटन को दबाकर आप आने वाले वीडियोस की सबसे पहले जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।